हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। मध्य प्रदेश की नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 13 अगस्त 2019 और यह हमारी 211वीं क्लास है। 12 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट कर लें इन क्वेश्चन की, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। दोस्तों, अगर आपको एमपी जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके आंसर जरूर करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। हाल ही में कौन सी नेशनल अवार्ड की लिस्ट जारी की गई है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है 66वें। हाल ही में 66वें नेशनल अवार्ड की लिस्ट जारी की गई है। दोस्तों, 66वें नेशनल अवार्ड की विनर लिस्ट हाल ही में जारी की गई है। इसमें 31 श्रेणियों में नेशनल अवार्ड दिए गए हैं, जिनमें से 23 गैर फीचर फिल्में हैं और 31 फीचर फिल्में हैं। दोस्तों, आपको बता दें 66वें नेशनल अवार्ड 2019 में अंधाधुंध, पद्मावत, बधाई हो उरी, द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी फिल्मों ने अवार्ड जीते हैं। दोस्तों, अब आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बता दें इस अवार्ड के बारे में। तो बेस्ट पॉपुलर फिल्म रही है बधाई हो। दोस्तों, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कीर्ति सुरेश ने महानती, जो तेलुगु एक्टर हैं, इन्होंने जीता है। वहीं दोस्तों, अगर बात करें बेस्ट एक्टर की, तो आयुष्मान खुराना ने अंधाधुंध के लिए और विकी कौशल ने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए ये अवार्ड जीता है। दोस्तों, इसके अलावा बहुत सी कैटेगरी में अवार्ड वितरित किए गए हैं, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको इतना याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस शहर में सेना हथियारों और गोलों का प्रदर्शन करेगी? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है दिल्ली में। हाल ही में भारतीय सेना दिल्ली शहर में हथियारों और गोला बारूद का प्रदर्शन करेगी। दोस्तों, आपको बता दें सेना हथियार गोला बारूद का प्रदर्शन दिल्ली में करने वाली है। टैगोर गार्डन के पैसिफिक मॉल में आयोजित ये प्रदर्शनी की जाएगी। दोस्तों, इसमें AK-47 नाइट विजन डिवाइस, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, 130 MS गन, कमांडो किट और स्नाइपर सूट शामिल होंगे। दोस्तों, यहाँ लोग सैन्य कर्मियों से बातचीत भी कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये हथियारों और गोले का बारूद प्रदर्शन दिल्ली शहर में किया जाएगा। दोस्तों, दिल्ली की बात आई है तो आपको बता दें दिल्ली के गवर्नर हैं अनिल बैजल और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो है अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने तिबलिसी ग्रैंड प्रिक्स में स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है बजरंग पूनिया। हाल ही में बजरंग पूनिया ने तिलवीसी ग्रैंड प्रिक्स में अवार्ड जीता है। दोस्तों, आपको बता दें भारत के युवा पहलवान बजरंग पूनिया ने जॉर्जिया के तिलवीसी ग्रैंड प्रिक्स में 65 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल में इन्होंने ईरान के पेजमन वेवानी को 2-0 से हराकर यह अवार्ड अपने नाम किया है। दोस्तों, अब बात आई है बजरंग पूनिया की, तो आपको बता दें ये भारत के एक प्रसिद्ध पहलवान हैं। इनका जन्म 1994 में हरियाणा के झज्जर में हुआ था। तो आपको इतना बजरंग पूनिया के बारे में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में विक्रम साराभाई की कौन सी जन्म वर्षगांठ मनाई गई है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है 100वीं। हाल ही में विक्रम साराभाई की 100वीं जन्म दिवस वर्षगांठ मनाई गई है। दोस्तों, आपको बता दें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता कहे जाने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई की 100वीं जन्म वर्षगांठ मनाई गई है। दोस्तों, डॉक्टर विक्रम साराभाई एक वैज्ञानिक और इन्वेंटर थे। दोस्तों, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको विक्रम साराभाई के बारे में बता दें। इनका जन्म 12 अगस्त 1919 में अहमदाबाद में हुआ था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद की स्थापना इन्होंने की थी। दोस्तों, इन्होंने शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1962 में व भूषण 1966 में और पद्म विभूषण 1972 से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, आपको बता दें विक्रम साराभाई ने ही जो हमारे मिसाइल मैन कहे जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, ये नाम विक्रम साराभाई ने ही इन्हें दिया था। दोस्तों, विक्रम साराभाई का निधन 30 दिसंबर 1971 में केरल के तिरुअनंतपुरम में हुआ था।
तो इतना आपको विक्रम साराभाई के बारे में याद रखना है। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही हाल में में कितने राज्यों में अंतर्राज्यीय राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लॉन्च किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 4 राज्यों में। हाल ही में 4 राज्यों में अंतर्राज्यीय राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी को लॉन्च किया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने हाल ही में 4 राज्यों में अंतर्राज्यीय शासन पोर्टेबिलिटी को लॉन्च किया है। इस योजना को 2 क्लस्टर में लॉन्च किया गया है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र। दोस्तों इसके बाद जून 2020 में वन पैन नेशन और वन पैन राशन कार्ड, दोस्तों 2020 में वन नेशन और वन राशन कार्ड योजना को भी लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों अब ये एक देश एक राशन कार्ड क्या है आपको इसके बारे में बता दें। इन परिवारों के पास खाद्य सुरक्षा कार्ड हैं, वे इन राज्यों में किसी भी राशन की दुकान से सस्ते चावल गेहूं खरीद सकते हैं। इसके लिए राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य होगा। इसके बाद दोस्तों आप इन 4 राज्यों में किसी भी राज्य से चावल गेहूं खरीद सकते हैं सस्ती दरों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख पुनर्गठन विधेयक कब से लागू किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 31 अक्टूबर से। 31 अक्टूबर से लद्दाख और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक लागू किया जाएगा। दोस्तों रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी है। यह 31 अक्टूबर 2019 से लागू होगा। 31 अक्टूबर के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं 5 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद इन्हें 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बना दिया था। एक था जम्मू कश्मीर और दूसरा था लद्दाख। चलते हैं दोस्तों जी मध्य के प्रदेश के प्रदेश बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अलग अलग। मैंने आपको डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि दोस्तों बहुत कंफ्यूजन होती थी कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों ये जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन 12 है वो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। दोस्तों जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पर लेता हूँ मैं वीडियो में। तो बस पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री मदद योजना लॉन्च की गई है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मदद योजना लॉन्च की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री मदद योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत जनजातीय परिवारों में बच्चे के जन्म और परिवार के सदस्य की मृत्यु पर सहायता प्रदान की जाएगी। जनजातीय परिवार के लड़का व लड़कियों की जन्म दिवस पर या मृत्यु दिवस पर दोस्तों गेहूं और चावल का जो वितरण है वह मुख्यमंत्री मदद योजना के द्वारा किया जाएगा। इसमें दोस्तों परिवार में जन्म लेने वाले लड़का या लड़की के जन्मदिन पर 50 किलोग्राम गेहूं और चावल दिए जाएंगे। वहीं दोस्तों अगर परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो इसके लिए सरकार द्वारा 100 किलोग्राम गेहूं और चावल, साथ ही दोस्तों पकाने के लिए बर्तन भी दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों राज्य में 40 नए एकलव्य स्कूलों की भी स्थापना की जाएगी, जनजातीय लोगों के बच्चों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल सके इसके लिए। तो आपको इतना याद रखना है मुख्यमंत्री मदद योजना लॉन्च की गई है वो भी जनजातीय लोगों के लिए मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसे आगर मालवा का करेक्टर बनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है संजय कुमार को। हाल ही में संजय कुमार को आगर मालवा में कलेक्टर बनाया गया है। अब दोस्तों बात आई है आगर मालवा जिला की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आगर मालवा के बारे में बता दें। मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना था आगर मालवा। 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से विभाजित करके इसे जिला बनाया गया था। भारतीय स्वतंत्रता के समय एक छावनी के क्षेत्र में विकसित था आगर मालवा। उज्जैन संभाग का एक जिला है आगर मालवा। दोस्तों काली सिंध नदी पर खेड़ू बांध बनाया गया है आगर मालवा में ही। वैजनाथ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है आगर मालवा में। दोस्तों आपको बता दें शहर के 2 प्रमुख तालाब हैं मोती सागर तालाब और रत्न सागर। तो आपको इतना
आगर मालवा जिला के बारे में याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे सीधी जिले का कलेक्टर बनाया गया है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है रविंद्र कुमार चौधरी। हाल ही में रविंद्र कुमार चौधरी को सीधी जिले का कलेक्टर बनाया गया है। अब दोस्तों बात आई है सीधी की, तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको सीधी के बारे में बता दें। रीवा संभाग का एक जिला है सीधी। दोस्तों एनसीआई का मुख्यालय भी सीधी जिले में ही स्थित है। संजय राष्ट्रीय उद्यान भी सीधी जिले में ही स्थित है। बाण सागर परियोजना भी सीधी में ही स्थित है। दोस्तों डबरा और बगदरा कोयला खदानें भी सीधी में ही स्थित हैं। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य भी सीधी जिले में ही स्थित है। तो इतना आपको दोस्तों सीधी के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस जोन में नई मीट्रिक टोकन प्रणाली शुरू की गई है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है पश्चिमी और केंद्रीय जोन में। हाल ही में पश्चिमी और केंद्रीय जोन में नई मीट्रिक टोकन प्रणाली शुरू की गई है। दोस्तों भारतीय रेलवे पश्चिमी और केंद्रीय रेलवे जोन में नई बायोमेट्रिक टोकन प्रणाली शुरू की गई है। इस सिस्टम के द्वारा जनरल कोच के यात्रा करने वाले यात्रियों को टोकन दिए जाएंगे जिनकी सीट आरक्षित नहीं है। दोस्तों यह टोकन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रदान किए जाएंगे। अब दोस्तों एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दें, जो मध्य प्रदेश में पश्चिमी और केंद्रीय जोन है इसी के लिए ये बायोमेट्रिक टोकन प्रणाली शुरू की गई है। अब ये कहां पर पड़ता है आपको इसके बारे में भी बता दें, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में पश्चिमी और केंद्रीय जोन बनाया गया है रेलवे के द्वारा। दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई थी दोस्तों यह 2003 में की गई थी। 1 अप्रैल 2003 को जबलपुर में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था। दोस्तों आपको एक और इंपोर्टेंट फैक्ट बता दें, जो इंडिया में रेलवे जोनों की कुल संख्या है वह 18 है। यानी भारत में कुल 18 रेलवे जोन है और जिनमें से एक जबलपुर में स्थित है और इसका नाम है पश्चिमी और केंद्रीय जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कहां शब्दों की बरसात कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सागर। हाल ही में सागर जिले में शब्दों की बरसात कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। दोस्तों अब बात आई है सागर की, तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको सागर के बारे में बता दें। दोस्तों मध्य प्रदेश की पहली विश्वविद्यालय जिसे हम डॉक्टर हरीश सिंह गौर विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं यह सागर में ही स्थित है। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज जो मध्य प्रदेश का दूसरा कॉलेज है यह सागर में ही स्थित है। दोस्तों पुरातात्विक स्थल एरन जहां पर सती का प्रथम लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है यह भी सागर में ही स्थित है। आपचंद की गुफाएं भी दोस्तों सागर में ही स्थित हैं। आपको बता दें पद्माकर समारोह है, स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में ही स्थित है। नौरा देवी वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना भी सागर में ही की गई है। दोस्तों बीना रिफाइनरी भी सागर जिले में ही स्थित है। तो इतना आपको सागर के बारे में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूनियन बैंक के ऋण वितरण शिविर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है इंदौर। हाल ही में इंदौर जिले में ऋण वितरण शिविर का आयोजन किया गया है यूनियन बैंक के द्वारा। दोस्तों आपको बता दें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर के द्वारा बैंक की विभिन्न ऋण योजनाएं जैसे मुद्रा MSMI खुदरा ऋण के अंतर्गत बैंकों के कार्यपालक निदेशक दिनेश कुमार की उपस्थिति में हितग्राहियों के लिए ऋण वितरित किए गए हैं। आपको याद रखना है दोस्तों ऋण वितरण समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश में इंदौर में किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन की। तो दोस्तों कल का क्वेश्चन था चौथी पर्यटन क्विज प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका सही ऑप्शन था दोस्तों सागर में। सागर में चौथी पर्यटन क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई है। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का क्वेश्चन है हाल ही में किस मध्य प्रदेश वासी को इंडियन बॉक्सिंग टीम में चुना गया है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, हम आपके आंसर का इंतजार करेंगे। आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों आप लोग वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे हैं और वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, जितना हो सके आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और लोग भी मध्य प्रदेश के जीके के बारे में जान सके। दोस्तों हम कुछ दिनों में कुछ और इम्पोर्टेंट सीरीज लेकर आने वाले हैं, तो आप ये वीडियो देखना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।